माई चैनल एंड कैसे हैं आप सब। सो आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है मीशो हॉल रिगार्डिंग किड्स वियर। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ किड्स क्लोथिंग जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाए थे। आदू के लिए मैंने सेपरेटली मंगवा रखे हैं, वो किसी और ऐप से है। सो वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। सो जो आज का वीडियो है वो गर्ल्स वियर के ऊपर, मतलब बेबी जो बेबी गर्ल्स होती है उनके क्लोथिंग के ऊपर। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार गाइस, जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं वो किस इस तरह से पैकेट में रिसीव हुए हैं मुझे। फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये क्यूट सा ड्रेस। सो गाइस, ये कुछ इस तरह का ड्रेस है, ये वाइट में है और नीचे इसका जो बॉटम है वो डेनिम है। सो बहुत ही प्यारा, मतलब डांगरी काइंड ऑफ सेट है, बहुत ही प्यारा सेट है और पहना हुआ बहुत ही क्यूट लगता है। और यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल मटेरियल दिया गया है, मतलब डांगरी काइंड ऑफ थिंग दे रखी है। और इसका जो टॉप है ना गाइज, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा। आई डोंट नो ये कौन सा मटेरियल है, जो बॉटम है वो तो डेनिम है बट जो ऊपर का मटेरियल है वो कुछ अच्छा सा, मतलब कॉटन काइंड ऑफ कपड़ा ही है बट बहुत ही प्यारा है। और ये जो है ये इसका बैक है और जो फ्रंट है वो कुछ इस तरह का है। और ये नेटवर्क दे रखा है, बहुत ही प्यारा नेटवर्क है, आप देख सकते हो। और आप इसे पार्टी वेयर, कैजुअल कहीं भी इसको वेयर करवा सकते हो अपनी बेबी को, तो बहुत ही क्यूट लगता है डाला हुआ, बहुत ही ट्रेंडी लगता है साथ के साथ। और ये कुछ इस तरह से है, मैं साइड में आपको पूरी पिक दे दूंगी। और यहाँ पे ये क्यूट क्यूट से बटन लगे हुए हैं, सो आप इसको ओपन करके ना अपना, मतलब साइज़ के हिसाब से इसको अपने बेबी के साइज़ के हिसाब से फिट कर सकते हो। और जो स्लीव्स है, स्लीव्स फुल स्लीव्स है और स्लीव्स में भी आप देख सकते हो कितना प्यारा सा वर्क दिया गया है, ये बहुत ही प्यारा वर्क है। और कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो बेबी इसको चुभेगा नहीं, साथ के साथ बहुत ही अच्छा रहेगा गर्मियों में ये वाला कपड़ा ना। सो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, ये जो टॉप है इस तरह का है और बॉटम वियर भी बहुत ही प्यारा है। मुझे इसका जो बॉटम है वो बहुत प्यारा लगा है। आप इसके बॉटम को ना किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, कोई भी टी शर्ट होगा तो उसके साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हो, बहुत ही क्यूट लगेगा और एलिगेंट भी लगेगा। यहाँ पे ये बहुत प्यारे प्यारे बटन्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है इसको, बहुत ही क्यूट सा सेट है, आप देख सकते हो प्यारा सा ना, बहुत प्यारा डेनिम का सेट है। इसका जो प्राइस था गाइस बहुत ही रीजनेबल प्राइस था और मुझे बहुत ही बेस्ट लगा इस प्राइस में ये वाला सेट मिलना, बहुत ही अच्छी बात है। और इसका जो प्राइस है गाइस वो है 293 रुपीज़ ओनली। या गाइस बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, आप खुद देख सकते हो। कपड़ा बहुत अच्छा है 293 के हिसाब से और बहुत ही प्यारा कपड़ा है, आप देख सकते हो। साइजेस उसमें सारे अवेलेबल है, साइजेस आप अपने बेबीज़ के हिसाब से उसमें देख सकते हो और ख़रीद सकते हो। मैं इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो आप से बाय कर सकते हो इन केस आपको अच्छा लगे तो। सो या गाइस, ये था मेरा फर्स्ट सेट, बहुत ही प्यारा और क्यूट सा है। अगर मैंने इसको अदृति को पहनाया नहीं था गाइस, बिकॉज अदृति थोड़ा बीमार थी तो उसकी वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ कर रही थी, उसकी वजह से हमने उसको ये पहनाया नहीं। इसकी मैं फुल पिक आपको साइड में दे दूंगी, बहुत ही क्यूट कपड़ा है ये। तो जो सेकेंड पीस है वो कुछ इस तरह का है गाइस, ये मुझे इतना पसंद नहीं आया बिकॉज इसका मटेरियल इतना अच्छा नहीं है। बट या अगर आप मतलब मंगवाना चाहते हो तो क्यूट पीस है, आप मंगवा सकते हो। और ये कुछ इस तरह का है, इसका अपर पार्ट बहुत प्यारा लगता है वैसे तो, बट ये नीचे का मटेरियल इतना खास नहीं लगा मुझे। और इसका प्राइस ना गाइस 308 रुपीज़ था आई थिंक, हाँ 308 रुपीज़ का ही था ये। और बाकी मैं मेंशन कर दूंगी साइड में प्राइस वगैरह, तो आप अच्छे से देख सकते हो। ये बहुत ही प्यारा है, पर देखने में तो बहुत क्यूट है। साइड में ये रिबन दे रखा है तो आप यहाँ से फिट वगैरह कर सकते हो टाई करके। और यहाँ पे क्यूट सा बो दिया है इस तरह से और पोल्का डॉट डिज़ाइन है, पोल्का डॉट तो ट्रेंड में है ही, आप देख सकते हो। और पिंक है ये जो पिक में कलर है उससे थोड़ा सा अलग ही आया है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया ये, पर फिर भी यह ठीक है, घर में रेगुलर बेसिस पे आप इसे पहना सकते हो। और जो इसका अंदर का पार्ट है ना गाइस, बहुत ही प्यारा आया है, आप देख सकते हो। ये इतनी अच्छी डिटेलिंग दे रखी है, इतनी अच्छी डिज़ाइन है ना इसमें, आप देख सकते हो। ये क्या कहते हैं इसको, मेश वर्क है, नेटवर्क है और ये बहुत ही प्यारा फ्लावर सा बन रखा है इसमें। साइड में पिक डाल दूंगी। और ये भी आई थिंक कॉटन ही है ये,
और इसकी स्लीव्स फुल है, बहुत प्यारी स्लीव्स है, बहुत प्यारा कपड़ा है। और इसको ना अंदर डाल के ऊपर से देन आपने इसको पहनाना है, तो ये बहुत ही क्यूट लगता है डाला हुआ। वैसे डाल के तो अच्छा लग रहा था, बट या आप देख सकते हो इसका प्राइस 308 रुपीज़ था गाइस। तो 308 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा मटेरियल है, साथ के साथ बहुत ही क्यूट और ट्रेंडी भी लगता है डाला हुआ। सो अगर आपको पसंद आया तो आप ये मंगवा सकते हो। इसका कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। साइजेस में सारे अवेलेबल थे, आई थिंक अभी स्टॉक आउट भी हो सकता है, बट या ये कुछ इस तरह का आप देख सकते हो। सो फर्स्ट वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था, और उसके बाद जो थर्ड है गाइस वो भी बहुत ही सुंदर सा है। थर्ड वाला कुछ इस तरह से, ये भी डांगरी काइंड ऑफ है, और ब्लैक में आदरिति के पास कम ही था तो मैंने सोचा कुछ ब्लैक भी मंगवा लिया जाए। और ये फ्रिल काइंड ऑफ स्कर्ट है, कपड़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ही थिक काइंड ऑफ कपड़ा है, मतलब जल्दी फटेगा नहीं। क्या होता है कि बेबीज़ के साथ होता ही है, जल्दी फट जाते हैं कपड़े, बट या ये कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्यारा कपड़ा है। और ये देखो आप, बहुत सुंदर वर्क है, और इस तरह से डांगरी साइड दिखे तो आप यहाँ पे, अगर आपके बेबी को लंबा हो रहा है देन आप कट करके इसको स्टिच भी करवा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। और साथ में जो इसका अपर पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, ये भी बहुत क्यूट लगता है डाला हुआ ना। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है आदृति को, बट यह बाद में ठीक हो जाएगा, मैं बाद में ही डलवाऊंगी, अभी तो कुछ नहीं। और जो स्लीव्स है इसकी फुल स्लीव्स है, ये भी थोड़ा लंबा ही हो रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से वर्क है स्लीव्स में। और जो नेक है वो कुछ इस तरह से है, इसमें भी थोड़ी सी हल्की सी मैश डिटेलिंग दी गई है, कॉलर वाला नेक है, और यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं कुछ इस तरह से, बहुत ही क्यूट है। तो कुछ इस तरह से है ये, और ये तो कॉटन का ही कपड़ा है गाइस, और कॉटन तो क्या रहता है कि गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। सो आप डेफिनेटली इसको तो मंगवा ही सकते हो, इसको और फर्स्ट वाले को तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने बेबी के लिए मंगवा सकते हो, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, साथ के साथ कपड़ा बहुत अच्छा है, और ट्रेंडी भी है, और बहुत प्यारा भी लगता है डाला हुआ कुछ इस तरह। इसका प्राइस 353 रुपीज़ था। सो 353 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा कपड़ा है, और पिथौरागढ़ की मार्केट में ना ये आपको 700-800 से कम में कोई देगा ही नहीं, बट या मीशो से आप डेफिनेटली इसको मंगवा सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा डाला हुआ। और इसका जो कोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साइड में मैं पिक डाल दूंगी। सो या ये था मेरा थर्ड प्रोडक्ट, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। सो गाइस जो नेक्स्ट पीस है मेरा वो कुछ इस तरह का है, ये जंप सूट है इस तरह का, और जो मटेरियल है वो है कॉटन, और बहुत ही प्यारा मटेरियल है। ये कुछ इस तरह का ब्लू और वाइट कलर की स्ट्रिप्स में है, बहुत ही प्यारा लगता है। और साथ में इसमें जो ये इलास्टिक दिया गया, इलास्टिक भी ज़्यादा टाइट नहीं है तो आपके बेबी को चुभेगा नहीं। और ये इसका बॉटम वियर है, बहुत ही प्यारा है, ये जंप सूट है। सो ये इसका बॉटम वियर था, और जो अपर टॉप पार्ट है बहुत ही क्यूट है गाइज, आप देखोगे ना आपको भी बहुत प्यारा लगेगा। ये देखो ये कुछ इस तरह का है, मैं पिक ना साइड में दे दूंगी, और डाला हुआ बहुत क्यूट लगता है इस तरह से, यहाँ पे इलास्टिक है। सो ये आपके बेबी को मतलब वेस्ट से थोड़ा सा ऊपर आएगा, सो बहुत ही प्यारा लगता है डाला हुआ। और इस तरह का है ये वर्क ना, बहुत ही सुंदर है ये डाला हुआ, भी बहुत क्यूट लगता है, और कुछ इस तरह से है, और कपड़ा भी बहुत ही सॉफ्ट है, सो आपके बेबी को गर्मियों में चुभेगा भी नहीं। इसका प्राइस है गाइस वो है 323 रुपीज़। सो बहुत ही अच्छा कपड़ा मिला है 323 रुपीज़ में। इसका जो कोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। साइजेस सारे अवेलेबल थे, अगर स्टॉक आउट हो गया होगा तो आप इसकी पिक लेके उसमें सर्च ऑप्शन में डाल सकते हो, तो जो दूसरे सेलर्स है उससे आपको मिल जाएगा। सो गाइज ये कुछ दो ड्रेस थे जिनके वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गई थी, तो मैं उनके पिक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये भी बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छा मटेरियल आया था।